नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक जो कि हमारे स्टूडेंट हमारे बहुत सारे व्यूअर ने मुझसे पूछा है। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे और ज्यादा वीडियो के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com विजिट कर सकते हैं। और हमारी ये क्लासेस ऑनलाइन होती है रिमोट शेयरिंग सिस्टम से, लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन आप हमारी ये ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं जो कि जूम ऐप के थ्रू होती है। तो मैं टाइम ना लेते हुए सारे डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ कि टॉपिक हमारा क्या है। बेसिकली अभी आपके सामने दिख रहा होगा एक रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में क्या है कि हमारा बी एल जो कॉलन है उसके बाद कॉलन नहीं है, और उसी तरह से रो की बात करें तो रो में 34 के नीचे कोई रो अवेलेबल नहीं है। तो बच एक स्टूडेंट ने बहुत दिक्कत हुआ उनको इनको अनहाइड करने, बेसिकली ये हाइड किया हुआ है। तो इसको अनहाइड कैसे करें, क्योंकि जनरली अगर हम बात करें सीड्स की, कि मान लीजिए कि अगर हमने इसको हाइड कर रखा है तो अनहाइड करने के लिए हम सी और ई दोनों को सेलेक्ट करके फिर इसमें अनहाइड करते हैं, तो ये हमारा अनहाइड हो जाता है। बट यहाँ पे तो बीएल के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो अनहाइड कैसे होगा, क्योंकि इस पे राइट क्लिक करके अगर आप अनहाइड करते हैं तो भी अनहाइड हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे, ये चीज को देखिए, मैंने सिर्फ बीएल पे क्लिक करके हाइड नहीं किया हुआ है, ये चीज को देखिए। राइट क्लिक, इसको सेलेक्ट करके मैं वापस हाइड करता हूं। राइट क्लिक करके हम हाइड करते हैं, देखिए हाइड हो गया। तो अगर हम सिर्फ बीएल पे क्लिक करें तो वो अनहाइड होने से अनहाइड नहीं होता। हमने क्या किया हुआ था कि बीएल पे क्लिक करके और थोड़ा सा कर्सर को आगे की तरफ मूव कर दिया, तो सिस्टम को पता चल गया कि आगे भी सेलेक्ट करना है, फिर अनहाइड करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। लेकिन ऐसी दिक्कत हो सकती है, तो आप क्या करें कि स्टार्टिंग में यहाँ जो ट्रायंगल होता है उसको सेलेक्ट करें, और आप राइट क्लिक करके अनहाइड कॉलन और राइट क्लिक करके अनहाइड रो कर दें, तो आपका रो एंड कॉलन दोनों अनहाइड हो जाएगा, इजिली अनहाइड हो जाएगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए मुझे दो तीन कॉल आ गए हैं अलग अलग जगहों से, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना सही रहेगा। तो इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, और आपसे आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि जब भी मैं ऑनलाइन लाइव आता हूँ, मैं ऑनलाइन लाइव भी आता हूँ, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, और साथ में हम रिकॉर्डेड वीडियोज भी डालते हैं, तो आपको उसका अपडेट मिलता रहे। आप हमारी पेन ड्राइव भी परचेज कर सकते हैं, वीडियोज पेन ड्राइव है हमारे पास, आप वीडियो पेन ड्राइव भी परचेज कर सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज की है, जैसे कि एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला 2500 का है, इसे 45 घंटे की वीडियोज है। दूसरा आपका कंप्लीट कोर्स एक्सेल वीवी एक्सेस डैशबोर्ड के साथ, ये तकरीबन 100 आवर्स का है वीडियो। एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, ये आपका 45 to 50 आवर्स का है, और इसमें वीडियो नोट्स एग्जाम्पल फाइल सब मिलेंगे, और ये भी 2500 का है। तो ये सारे है, आप कर सकते हैं, या फिर हमारी जो लाइव क्लासेज है वो लाइव क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट रहेंगे। पहले दो चार क्लास ऐसे डैमो दूंगा, दो चार क्लास डैमो लेके देखिए, अच्छा लगा तो ज्वाइन प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और डैमो लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाके डैमो क्लास का फॉर्म भर सकते हैं। Thanks for watching this video. Have a nice day.